मेरे पीछे लगे हो गोली चलाते चलाते ठीक कितने आरोपी थे? आठ आठ किसी को जानते भी हो? हाँ जानते हैं। क्या क्या नाम? एक का नाम तो चंदीन है भाई, फिर से दो गांव की है। इसे कम राउंड है ना, पास तो मेरे को 20 राउंड हुए इनकी। ये देख बड़े आदमी है, 5 राउंड पहले आवाज आ लेते हैं। इन्हें खुद देखे हैं गोली चलाते, गोली मारते हैं, खुद देखे हैं। तो कोई पुरानी रंजिश है या कैसी? ये पहला ही रंजिश है जी। ये भी इन मारा झूठा मुकदमा ला दिया था, आम जमानत पर बाहर आ लिए। इन गसवान कौन है? पड़ोस की पड़ोस मर रहा है। ये तस्वीरें हैं रोहतक के करोर गांव की, जहां दिवाली के दिन गांव पटाखों की आवाज से नहीं बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गांव में एक बार फिर दिवाली के दिन गैंग वॉर हो गई, जहां बदमाशों ने 3 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें से 2 युवकों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन लगभग 25 वर्षीय युवक को पुरानी रंजिश के चलते दर्जन भर गोलियों से भून डाला। मृतक युवक मोहित अनिल छिप्पा गैंग से संबंध रखता था और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस गैंग वॉर में अभी तक लगभग 20 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इस हत्याकांड के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और मृतक के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की मांग उठाई गई है। बताया जा रहा है कि मोहित जब आज खेत से घर जा रहा था तो गली में हत्यारे बाइक पर उसका इंतजार कर रहे थे। बदमाशों के पास जाते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए मोहित एक गली में भी भागा, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया। फायरिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोहित को लगभग 1 दर्जन गोलियां लगी हुई हैं। हम घर पर थे, मेरा छोटा भाई बाहर गया हुआ था, तो मोहित बाइक लेकर निकला था घर पे, तो ये एकदम से मैं परले कोने पे था, ये आया आते ही फायर, तो इसमें वही अडमगा बम भटकाते होंगे बंदरों के लिए। मैं जैसे अपने घर की तरफ चला तो बाजा मारे घर तरफ बंदूक ताने दी, मेरी माँ पास मेरे पर फायर करे पहले दो, फिर मेरे पास बाजता दो आग करके, फिर यू आ गया इसके पीछे लग लिए, मेरे पीछे लगे हो गोली चलाते चलाते फायर करते करते। ठीक कितने आरोपी थे? 8 आरोपी थे। किसी को जानते भी हो? हाँ जानते हैं। क्या क्या नाम? एक का नाम तो जतीन है भाई, फिर से दो गाँव के हैं। इन्हें खुद देखे हैं गोली चलाते, गोली मारते हैं, खुद देखे हैं। तो कोई पुरानी रंजिश है या कैसी? ये पहला ही रंजिश है जी। ये भी इन मारा झूठा मुकदमा ला दिया था, आम जमानत पर बाहर आ लिए। इन गसवान कौन है? पड़ोस की पड़ोस मर रहा है। ठीक है, ये बात बताओ क्या करा जाए? तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, 20 साल से सही नहीं कर, पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है अभी। ठीक है जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अनुरोध ही हुए है। और बाकी बाइक हो रहा क्या हमने अपना? क्या पहले भी आरोपियों ने दिवाली के दिन कुछ पहले भी ना 2-3 बार छोटी मोटी हरकत करी है हमारे साथ है? छोटी 15 साल पहले दिवाली पे चाची और हमारी थी। ठीक है, गाम राम खड़े आए, इनसे पूछ लो जी, गलत कह रहे होते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पता हमारा गांव 20 साल से चल रही है जी, लगभग तो ये जो अभी मोहित जो एक्सपायर हुआ है क्या जमानत पे आया हुआ था? जमानत पे आ रहा है जी, एक नंबर में खेती बाड़ी कर रहा था अपने 3 साल से। बताओ किसी से, कोई गांव में किसी से पूछ लो, कोई मुकदमा ना, कोई और बात नहीं, मुकदमा नहीं उस पर। तो किस मुकदमे में था ये जो जमानत पे आया? इस पर 120 भी लग रही थी। अच्छा, इस मुकदमे में था जी वो, अपना जो गरीब शांति से टाइम पास कर रहे थे, अपना खेती बाड़ी कर रहे थे है, या इस इन अपनी रंजिश काट लीजिए। इनका तो कुछ बिगाड़ भी नहीं रखा उसने, पहले भी कभी धमकी वगैरह ना कुछ ऐसी, हमने तो आज तक कुछ कही भी नहीं इनसे। नहीं, इन्होंने आपको धमकी? हाँ, इन्होंने तो दी है 2-3 बार, हमने सरपंच साहब को भी बताई है, मजी ऐसे ऐसे इंजाम लावा है। ये भी एक लड़का था ये यो था, इसके बाबत होली बला मेरे कहना सीटी मारा है, एक यो के सीटी मारा था। ठीक है, ये छोटी छोटी बात पाई हुई बात चल रही है, हम तीन तक बोल के भी राजी को अपना चपचाप जावा, चपचाप आवा, फर्क इतना होगा जी, पड़ोस में घर होगा अपना। तो ये आपका सगा भाई था? आए सगे भाई से ही बड़का था जी, चाचा लगते थे वैसे हमारे। बताया जा रहा है कि मोहित अनिल छिप्पी गैंग से संबंध रखता था और एक केस के सिलसिले में जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर आया हुआ था।
जिस समय ये घटना हुई उस समय मृतक के भतीजे नीरज विकास मोहित के साथ थे। उन्होंने बताया कि हत्या करने वाले 8 लोग थे और उन्होंने उन पर भी फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गए। घटना की सूचना के बाद IMT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। ये हमारे कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना मिली थी, कारोर गाँव में अजीत का लड़का है मोहित सनोफ अजीत, उसका किसी दो लड़कों ने बाइक पे आए थे और वो गोली मार के चले गए। मौका पर पुलिस पहुंची थी, FSL टीम पहुंची थी। करीब यहाँ 18-20 फायर हुए हैं, जिनमें से करीब 12 गोली मोहित लड़के को लगी हैं और इनके परिवार वालों से जो भी सोर्स मिले हमारे को, उस हिसाब से हमारी CI टीम और वो उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। क्या गैंगवार का मामला है या कैसे? प्रथम दृष्टा गैंगवार ही प्रतीत होता है जी। कौन मारने वाले हैं, क्या क्या उनके बाय नेम आए हैं या कैसे? ये छज्जू का परिवार होता था जी, जय भगवान, और जो अनिल छिप्पी था उसी गैंगवार से संबंधित ये घटना प्रतीत होती है, उस हिसाब से हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, जो मोहित है, क्या इसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है? पहले है इस पे मुकदमे जी, 120B का ये क्रिमिनल रहा है, कौन से केस में हम पूरी जांच कर रहे हैं इस चीज की। तो उस पे पैरोल पे था ये बेल पे था जी। अभी तो परिजनों ने क्या मांग करी है? अभी प्रथम दृष्टया बताया जी, इन्होंने बयान हमने लिया नहीं है, डेड बॉडी को अभी उठवाया है, आगे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव है? पूरे प्रयास हैं जी हमारे, जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। गांव वाले भी चाहते हैं 24 घंटे में हो जाए, तो हमारी टीम में प्रयास। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, कितने वेपन यूज हुए हैं, कितने प्रकार की गोलियां मिली? जी 9mm से किया गया जी, शायद 2 असले थे ऐसा ही पड़ते। इन्होंने ये भी बताया कि गांव के बाहर भी फायरिंग की है उन लोगों ने, इस चीज का अब तक तो संज्ञान में आया नहीं है, बाकी उस चीज से भी हम जांच करेंगे। ये सुरक्षा की भी मांग की है परिवार? हाँ, फिर पुलिस ने घर वालों ने मांग की थी जी, हमने सुरक्षा के लिए यहाँ अपनी एक गाड़ी छोड़ दी है, मुलाजिम असला के समेत छोड़ दिए, मोटरसाइकिल भी वो लेके भागे हैं, जिनकी हत्या करी है उन्हीं के परिजनों की, ऐसा उस चीज को भी हम देख रहे हैं जी, हमारी टीम में प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि अनिल छिप्पी और छाजू गैंग के बीच लगभग 20 साल से रंजिश चली आ रही है। अभी तक गांव में 20 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं। यही नहीं, 2008 में भी दिवाली के दिन ही 2 महिलाओं को इसी गैंग ने मौत के घाट उतार दिया था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।